वायरस के बारे में अभी तक ये देखा गया है कि सभी रोगियों में एक से लक्षण नज़र आते हैं। रोगियों के लक्षण ही उनके संक्रमण की गंभीरता को तय करते हैं। कुछ लोगों में इस संक्रमण के गंभीर लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि खास तरह के लक्षणों से पता चलता है कि एक व्यक्ति कोरोना से लंबे समय तक जूझेगा या नहीं। यही कोरोना का ऐसा साइड इफेक्ट है जो मरीजों को प्रभावित कर रहा है। 4 में से 1 मरीज ज़रूर होता है जिसे इस संक्रमण से उबरने के बाद साइड इफ़ेक्ट्स लंबे समय तक परेशान करते हैं। ये साइड इफ़ेक्ट्स ठीक होने के बाद हल्के से लेकर मध्यम या मस्तिष्क को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि इस परेशानी से कोरोना के सभी मरीज नहीं गुजरते हैं। नए अध्ययनों का कहना है कि एक व्यक्ति में कोविड-19 सिंड्रोम के विकास की संभावना उनके लक्षणों के प्रकार पर निर्भर करती है। जी हाँ, कोविड के लक्षणों से जूझ रहे कई रोगियों के लिए प्रारंभिक लक्षणों पर काबू पाना पूरी लड़ाई का आधा हिस्सा है। कोरोना वायरस से उबरने के बाद लंबे समय तक खांसी, सांस लेने में तकलीफ, मांसपेशियों में दर्द, दिमागी थकान और लगातार थकान महसूस होने से लक्षण दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि एक नए अध्ययन के अनुसार जिन रोगियों को संक्रमण के पहले हफ्ते में 5 या अधिक लक्षणों का सामना करना पड़ता है और जो 4 से 8 हफ्तों में कोरोना से उबर नहीं पाते हैं, पोस्ट कोविड यानी इस बीमारी के लक्षण लंबे समय तक रहने का जोखिम काफ़ी अधिक हो जाता है। जी हाँ, आपको बता दें कि एक शोध में कोरोना वायरस से ठीक हुए करीब 4000 मरीजों का आकलन किया गया था, जिसमें से 20% लोग बीमारी के महीने बाद भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए थे। 190 पॉजिटिव पाने के 8 से 10 हफ्ते बाद भी लक्षणों को महसूस कर रहे थे। करीब 100 रोगियों ने संक्रमण के 10 हफ्ते बाद समस्याओं की सूचना दी। ये व्यापक संकेत लंबे कोविड संक्रमण के जोखिम को भी निर्धारित कर सकते हैं। जी हाँ, रिसर्च में पाया गया कि ज़्यादातर लोग जो कोरोना के लक्षणों से लंबे समय तक जूझते हैं, उनमें भी सिर दर्द, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत और बदन दर्द जैसे आम लक्षण दिखते हैं। पहले हफ्ते में कोविड-19 के लक्षणों को 6 अलग-अलग भागों में बांटा जा सकता है, जिससे ये साफ हो सकता है कि किसे हल्का संक्रमण होगा और किसे गंभीर। जी हाँ, तो और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। क्यूरेनिया आयुर्वेदा से सुरभि की रिपोर्ट।